आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस यदि आप भी अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन करते हैं और यहाँ पर गाइस आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करता है कि गाइस इजंट फेसबुक पेज इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, तो गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस यदि गाइस आपको पेज शो करता है तो गाइस आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि गाइस नहीं आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में अपने फेसबुक एप्लीकेशन पर आ जाना है। फेसबुक एप्लीकेशन पर आने पर गाइस आपको यहाँ पर फेसबुक पर एक लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा गाइस। तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए गाइस ऊपर की साइड एक डेटा यूजर्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में गाइस आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है बैकग्राउंड डेटा का। तो यहाँ पर गाइस यदि गाइस आपका ये ऑप्शन ऑफ है तो गाइस आपको इसके ऑफ ही रहने देना है। यदि गाइस आपका ये ऑप्शन ऑन है तो गाइस आपको इसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गाइस जैसे गाइस आप इसे ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड आना है। नीचे की साइड आने पर गाइस आपको यहाँ पर क्लियर डेटा का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस फेसबुक का ऑल डेटा जो है वो यहाँ पर क्लियर कर देना है। तो यहाँ पर गाइस मैं ऑल डेटा को क्लियर कर देता हूँ। ऑल डेटा क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से गाइस आपको यहाँ पर डेटा यूजर्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो यहाँ पर बैकग्राउंड डेटा वाला ऑप्शन ऑफ किया था उस ऑप्शन को फिर से यहाँ पर ऑन कर लेना है। ऑन करते गए जो आपकी ये प्रॉब्लम है वो यहाँ पर डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर से गाइस मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर फेसबुक ओपन करूँगा तो गाइस हमारा जो फेसबुक ऐप है वो यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि गाइस पहले मैं यहाँ पर प्रॉब्लम शो कर रहा था पर गाइस अभी हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं करेगा गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आप भी अपने फेसबुक ऐप ओपन नहीं हो रहा है तो गाइस आपके मोबाइल में, तो गाइस कुछ स्टेप से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस, ताकि गाइस जनरली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।